हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनको आप प्रिपेयर करके अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फिटनेस पाठशाला पर, तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज मिलते रहें। तो फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम यहाँ पे निर्णय करके, व्हाट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर बीएमआई। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी दिया गया है कॉर्टलेट इंडेक्स, ऑप्शन सी दिया गया है आइडियल इंडेक्स, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, अनदर टर्म यूज फॉर बीएमआई, बीएमआई के लिए अनदर टर्म क्या यूज होता है, तो क्वार्टलेट इंडेक्स यूज होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें स्टूडेंट, स्पेस इज ए टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन दैट यूज ए टेस्ट एंड अदर प्रोसीजर। ऑप्शन ए है मेजरमेंट, ऑप्शन बी है टेस्ट, ऑप्शन सी है इवेल्युएशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, मेजरमेंट इज ए टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन दैट यूज ए टेस्ट एंड अदर प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। ऑप्शन ए बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी क्वार्टलेट इंडेक्स, ऑप्शन सी है बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी है आइडियल इंडेक्स। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन वो ऑप्शन ए होगा, बॉडी मास इंडेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पर्संस हैविंग बीएमआई 30.0 अप टू 39.0 फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसमें बताना है कि जिसका बीएमआई 35 से 39 के बीच में है वो किस कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए है ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओबेसिटी क्लास सेकेंड, ऑप्शन सी है नॉर्मल वेट, ऑप्शन डी है अंडर वेट। तो ओबेसिटी क्लास सेकेंड में आएगा ये बीएमआई, ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेल्थी हार्ट रेट फॉर मोस्ट ऑफ द एडल्ट इज, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे 30 to 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी दिया गया 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी दिया गया है 100 to 150 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पर्संस हैविंग बी एम आई 18.5 बिलो 18.5 बी कैटेगराइज एज, ऑप्शन ए दिया गया है ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ऑप्शन बी दिया गया है ओबेसिटी क्लास सेकेंड, ऑप्शन सी दिया गया है अंडर वेट, ऑप्शन डी दिया गया है नॉर्मल वेट। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा ये होगा इसका ऑप्शन सी अंडर वेट, बिलो 18.5 जिसका बीएमआई कैलकुलेट करने पे आता है वो अंडरवेट कैटेगरी में आएगा, यानी कि नॉर्मल साधारण वेट से भी कम वजन। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यू ऑफ बीएमआई कैन बी मेजर्ड इन, ऑप्शन ए है किलोमीटर केजी पर किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है यहाँ पे केजी पर एमएम स्क्वायर, ऑप्शन सी है केजी पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है केजी पर इंच स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, एंडोमार्फ मेजोमार्फ एक्टोमार्फ आर ऑफ स्पेस टाइप ऑफ बॉडी। ऑप्शन ए है प्रोटो, ऑप्शन बी है पोटैटो, ऑप्शन सी है सोमैटो, ऑप्शन डी है टाइपो। तो स्टूडेंट, जो राइट आंसर होगा वो क्या है, सोमैटो यहाँ पे। देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर
बात कर लें अब हम 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, हु फेस हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो इसमें बताना है कि किस कौन फेस करेगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक के लिए। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल वेट, ऑप्शन बी है विस्क्रल टाइप ऑफ ओबेसिटी, ऑप्शन सी है अंडर वेट, ऑप्शन डी है ओवर वेट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी ओवर वेट। देन क्वेश्चन नंबर बात कर लें 10 की, हु टेंड टू टिपिकल वेट लिफ्टर। ऑप्शन ए है मेजोमार्फ, ऑप्शन बी है एंडोमार्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमार्फ, ऑप्शन डी है एक्सोमार्फ। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी मेजोमार्फ। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, स्पेस मींस द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस्ट टू दैट ऑफ हिप्स। ऑप्शन ए है बेस्ट हिप रेशियो, ऑप्शन बी है सोमेटो टिप रेशियो, ऑप्शन सी है हिप बेस्ट रेशियो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ पीपल कैन बी ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर। किस तरीके के फिजिक वाला बॉडी वाला व्यक्ति एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है यहाँ पे ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है मेजोमार्फ, ऑप्शन बी दिया गया है एंडोमार्फ, ऑप्शन सी दिया गया है एक्टोमार्फ, ऑप्शन डी दिया गया है एक्जोमार्फ। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी एक्टोमार्फ। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें, फॉर होम वेट लिफ्टिंग इज वेरी हार्ड। ऑप्शन ए है मेजोमार्फ, ऑप्शन बी है एंडोमार्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमार्फ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के लिए जो आपका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस रिफर्स टू। ऑप्शन ए है बोन्स, ऑप्शन बी है मसल्स, ऑप्शन सी है ब्रेन, ऑप्शन डी है हार्ट लंग फंक्शन। स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा ये आपका ना कि बात कर रहे हैं कि कार्डियो, तो कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस की बात कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। तो फिटनेस वो डिपेंड करेगी हमारी मसल्स पे, तो ऑप्शन बी वंस अगेन यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा मसल्स। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बात कर लें 15 की, लास्ट वन क्वेश्चंस की आज के लिए इस वीडियोज का, द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज फॉर मेजरमेंट इज। ऑप्शन ए है यहाँ पे क्वाटलेट, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोमेट्री एंथ्रोपोमीटर, ऑप्शन बी सी है बीएमआई, ऑप्शन डी है क्वाटलेट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे एंथ्रोपोमीटर आपका राइट आंसर होगा। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो मेजरमेंट के लिए बॉडी के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके के वीडियोज मैं आप सबके लिए अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड बनाता रहूं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।